दोस्तों आप जानते हो इलेक्शन का मौसम चल रहा है। इलेक्शन के अंदर जनरली आप जानते हो कि इलेक्शन कार्ड कैसे करवाया जाता है, वो सब पूरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इलेक्शन कार्ड दोस्तों कैसे ऑनलाइन प्रोसेस किया जाता है और इलेक्शन कार्ड कैसे अपने घर पर घर बैठे ही ऑनलाइन कैसे करवाया जाता है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देख रहे हो दोस्तों इस वीडियो में कि मैंने ऑनलाइन इलेक्शन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, चाहे आधार और जो भी है, आपका एड्रेस चेंज करवाना है इलेक्शन के और जो भी कुछ आपका करेक्शन करवाना है, अदरवाइज मैरिज के बाद कहीं लेडीज लोग रहता है कि मैरिज के बाद एड्रेस चेंज करवाना है, नाम चेंज करवाना है, सब चीजें इस इलेक्शन के अंदर हो जाता है, इलेक्शन कार्ड के अंदर। ठीक है, पहले के टाइम के अंदर इलेक्शन कार्ड जो आता है एकदम ब्लैक एंड व्हाइट आता था, यहाँ पर आप देख रहे हो, और अभी जो आता है कलरिंग इलेक्शन आता है, जो यहाँ पर वीडियो में देख रहे हो। यहाँ पर इस वीडियो में भी आप देख रहे हो मैंने जो ऑनलाइन प्रोसेस किया था, उसके बाद यहाँ पर आप कलरफुल आ गया था घर है विद इन 15 या 20 दिन के बाद ही इलेक्शन कार्ड का प्रॉपर अच्छी तरह से आ गया था। यहाँ पर वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्शन कार्ड अपने घर बैठे प्रॉपर वो पीवीसी टाइप का कार्ड रहता है, एकदम अच्छा तरह से आता है, वो प्लास्टिक टाइप का वाटर प्रूफ भी आता है, पीवीसी कार्ड आता है वाटर प्रूफ भी रहता है, एकदम ईजी है और सिंपल स्टेप आप फॉलो कर दीजिएगा, दूसरे और नेक्स्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और स्वागत है दोस्तों स्मार्ट टेक्नो गाइड यूट्यूब चैनल में, हूं दिनेश। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कैसे क्या है सब प्रोसेस है। ठीक दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं वोटर हेल्पलाइन है और प्ले स्टोर में से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहां पर अभी आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, मैंने ऑलरेडी जिसने डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड यहां पर डायरेक्ट ओपन हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन का अभी टाइम चल रहा है, इलेक्शन जो आप करवाना चाहते हो एकदम फ्री में हो जाता है आपके घर पर। यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर्म 6 और नया न्यू इलेक्शन कार्ड उनके लिए फॉर्म 6 नया भराया जाता है, और यहाँ पर आपको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर पहले लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉगिन जब कर ले तो अपना मोबाइल नंबर या पासवर्ड आपको पहले क्रिएट करने का रहेगा, उसके बाद आपको जब ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है तो सिर्फ अभी ओटीपी आएगा, ओटीपी से जो आप देख रहे हो 7586 ओटीपी है, डाल देता हूँ यहाँ पर मैं लॉगिन कर ले, लॉगिन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो वोटर रजिस्ट्रेशन या जो भी है फॉर्म नंबर 6 है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन 7 है, डिलीट करना है आपका, और फॉर्म नंबर 8 है करेक्शन करना है। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर आपका। ऑलरेडी मैंने एक बंदे का है, उसका ऑलरेडी है, उसमें एड्रेस आदि चेंजेस करवाने की ज़रूरत है इनको। ठीक है, तो वोटर आईडी है, मैं यस वोटर आईडी नंबर है, दूसरा आई डोंट है, तो मेरे पास वोटर आईडी नंबर है ये, मैं यहाँ पर आप देख रहे हो प्लीज़ एंटर और वोटर आईडी नंबर, मैं यहाँ पर वोटर आईडी नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो वोटर आईडी नंबर, उसके नीचे जो दिख रहा है सिलेक्ट स्टेट, जो भी आप स्टेट से हैं आप मुझे कमेंट में बताएगा आप कौन से स्टेट से हो, यूट्यूब के कमेंट में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो आईडी डाल दिया है वो अपना डेटा है फेच कर रहा है। ठीक है, वोटर आईडी का मैंने जो नंबर डाल दिया है यहाँ पर आप देख रहे हो वोटो सब चीज़ें कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो नेम सरनेम या रीज़न वोट और सब चीज़ें, यहाँ पर फ़ोन नंबर 8 है अपना, जो भी कोई लेडीज़ लगती है, कई लोगों का आधार, कई लोगों का जो आधार में सिर्फ वेरिफिकेशन डालने के लिए आधार, पहले सबसे पहले दोस्तों मेन यही है कि अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना है या आधार कार्ड के अंदर अपना नाम चेंज करवाना है। ठीक है, और इस तरह का है तो मैं यहाँ पर सब डिटेल डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर सब डिटेल डाल दिया है। ठीक है, ईमेल आईडी आपका पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल सकता हूँ, वो ऑप्शनल चीज़ है। यहाँ पर आप देख रहे हो शिफ्टिंग रेसिडेंस करेक्शन एंटिटी कौन सा है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग रेसिडेंस में करने वाला हूँ, इश्यू रिप्लेसमेंट विदाउट है तो मैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट शिफ्टिंग रेसिडेंस या करेक्शन ऑन एंटायर एग्जिस्टेंस एनरोल, तो यहाँ पर मैं शिफ्टिंग के लिए कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने सब चेंजेस हो गया, इसके पहले भी मैंने वीडियो के अंदर सब चेंज कैसे करना वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कि क्या क्या सब डिटेल डालनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, हाउसिंग बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको अभी डाल देता हूँ, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, जो ईपिक नंबर मतलब आपका जो इलेक्शन कार्ड का जो नंबर रहता है उसको ईपिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हाउसिंग का नंबर है, यहाँ अपना जो भी रीज़न है वो सब डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रीट कौन सा स्ट्रीट का नाम भी यहाँ पर मैं फॉलो डाल देता हूँ। ठीक है, इसी तरह का दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, इलेक्शन का कार्ड जो वोटर आईडी कार्ड जो निकलता है, जो हार्ड कॉपी जो निकलती है वो आपको घर बैठे फ्री में मिलती है, कहीं भी आपको अमाउंट पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घर बैठे आप जो मेरा पहले स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बताया था कि घर बैठे फ्री में हो जाता है इलेक्शन कार्ड,
ठीक है, यहाँ पर सब डिटेल देख रहे हो, टाउन क्या है, अपना रीजन टाउन क्या है, सब चीज़ यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट कौन सा है, स्टेट गुजरात का है, यहाँ पर मैं फिलअप कर लेता हूँ। और कौन सा सिटी है, सिटी भी मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, राजकोट का है, राजकोट है। और फिर बाद में यहाँ पर आप प्रूफ के लिए कौन सा डालोगे, सब चीज़ यहाँ पर आपको देखेगी। यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आदि करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, हाउसिंग में थोड़ा ब्लॉक नंबर भी डाल देता हूँ। हाँ, तो क्योंकि सब चीज़ें आपको पहले बारीकाई से दोस्तों देखनी है। ठीक है, क्योंकि आपका आधार कार्ड में जिस तरह से रहेगा उसी हिसाब से आपको इलेक्शन कार्ड में डालना है। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, जिससे एड्रेस भी, एड्रेस में भी आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि डायरेक्टली आपके घर पर कुरियर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस जो रहती है उसके थ्रू आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन अभी चल रहा है, तो आपको फटाफट जो भी ये प्रोसेस है अभी हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा स्ट्रीट में थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को, स्ट्रीट नंबर ठीक है, हो गया। चलिए, पोस्ट ऑफिस में और बाकी सब डिटेल आ गई है, टाउन है और जी, और पोस्ट आप देख रहे हो, पिन कोड डालना है यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस नियर बाय जो भी है, सब चीज़ यहाँ पर आपको डालने की यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो पोस्ट जो है वो, मैं पोस्ट का जो नियर बाय रहता है वो डाल देता हूँ, पोस्ट ऑफिस, जैसे क्योंकि कुरियर है पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी डाल देता हूँ, जो भी अपना आपका जो एरिया पिन कोड रहता है वो आपको डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, और आप जो भी है, और देख रहे हो स्टेट कौन सा है, मिस्टेक गुजरात, सब चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के अंदर आपको कौन सा डालना है, एड्रेस प्रूफ के अंदर जनरली आपका आधार कार्ड रहता है, अदरवाइज आपका जो भी है सब चीज़ें रहता है, बट यहाँ पर आपको जेपीजी फॉर्मेट आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, अपलोड के मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो वॉट एवर जो भी है यहाँ पर सब डिटेल आप देख रहे हो, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ले रहा है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है, फिर से मेरे को ट्राई करना पड़ेगा, अभी टाइम ले रहा है, इंटरनेट का थोड़ा इश्यू लग रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इस तरह का है। यहाँ पर सब डिटेल हाँ नहीं ले रहा था, तो उसमें एड्रेस फिर से मेरे को चेंजेस आदि करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ें फिर से मैं करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा यहाँ पर इश्यू है। ठीक है, घर के एरिया में जियो का टावर है, तो थोड़ा कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वो सब डिटेल स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, और सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल सब आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए आगे ऑलरेडी प्रोसेस बढ़ चुका है, सब चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है, आधार कार्ड का जो था और सब चीज़ें हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रिक है, आधार कार्ड है, और सब इंडियन पासपोर्ट है, वो सब चीज़ें आप अपना कोई भी जो भी है डाल सकते हो यहाँ पर। फाइनली यहाँ पर से लोकेशन डाल देता हूँ, हो गया स्टेप। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, प्रीव्यू करके आपको दिख रहा है कि आपका डिटेल जो भी डाला है आपने, प्रूफ डाला है कि नहीं, वो चेक कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पिन कोड, यहाँ लोकेशन है, वॉट एवर जो भी है, मेरा डिटेल आपने जो डाला है वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको डाल देने की रहेगी। यहाँ पर डन हो चुका है, यहाँ पर रेफरेंस आईडी जनरेट हो गया है, रेफरेंस आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन में आपको देखना है कि कहाँ पर वो ट्रैकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो वोटर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक किया, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देख रहे हो रेफरेंस आईडी, फिर बाद में रेफरेंस आईडी कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट डाल दें। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 11/2/2024 को मैंने सबमिट किया था, बीएल अपॉइंटमेंट 13 को हुआ, फील्ड वेरिफिकेशन हुआ, फिर एक्सेप्ट हुआ 19 तारीख को, फिर बाद में कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, बस यहाँ इतना सिंपल ही था। ओके आयोग दोस्तों, इलेक्शन कार्ड कैसे ऑनलाइन प्रोसेस किया जाता है और ऑनलाइन आपको मैंने फिर बाद में हार्ड कॉपी जो भी पीवीसी कार्ड जो वोटर प्रूफ आता वो मैंने आपको वीडियो में बताया था कैसे क्या है, मतलब सिंपल स्टेप है। आयोग दोस्तों, उम्मीद है मुझे इस वीडियो में हमारी मेहनत अच्छी लगी हो और इसी तरह की हम आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। मिलते हैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू दोस्तों।